नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कोकोनट आइसक्रीम बनाना बताएंगे, जिसे हम टेंडर कोकोनट आइसक्रीम भी कहते हैं। सबसे पहले मैंने फुल फैट आधा लीटर दूध लिया है, इसको मैं मिक्सर जार में डालूंगा। आधा लीटर मिक्सर जार में दूध डालने के बाद ये स्किम मिल्क पाउडर है, ये 50 ग्राम स्किम मिल्क पाउडर मैं डाल रहा हूँ आधा लीटर दूध के अंदर। अब हम डालेंगे गुआर गम। ये देख लो, पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है 412 गुआर गम है। ये देखो, ये हम डालेंगे 1 ग्राम। बहुत सारे लोगों ने मेरे मेथड से आइसक्रीम बनाई, पर कईयों का मेथड गलत हो गया कि वो गुआर गम ज़्यादा डाल दिया है उन्होंने। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि ये इतनी चिपचिपाहट क्यों है आइसक्रीम के अंदर, क्योंकि उन्होंने गुआर गम ज़्यादा डाल देते हैं, क्योंकि वो हर रोज़ आइसक्रीम नहीं बना रहे हैं ना, वो किसी और चीज़ से बनाते थे। यूट्यूब पर मैंने ही सबसे पहले बताया कि गुआर गम से आइसक्रीम बन सकती है। इससे पहले CMC कॉर्नफ्लावर का यूज़ होता था। देख लो आप, इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंड कर दिया और हम गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख देंगे इसको। और मैं वो आपको बताता हूँ, देखो जब एक बारी या दो बारी आपसे गलती होगी गुआर गम डालने में, बाद में आप अच्छे से आइसक्रीम बनाना सीख जाओगे। एक दो बारी तो दिक्कत होती है, हर किसी को होती है, क्योंकि नया है ना, आपको आदत नहीं है। हम तो प्रोफेशनल ही हैं, हमें तो आँख से ही देख के पता लग जाता है ये कितने ग्राम है कितने ग्राम नहीं है। तो आपको शुरू में दिक्कत आएगी, बाद में आप जब सीख जाओगे एकदम बढ़िया से आप डालना शुरू कर दोगे, कोई चिपचिपाहट नहीं होगी। ये देख लो आप, ये है GMS, ये है 10 ग्राम। आधा लीटर दूध के लिए हम 10 ग्राम डालेंगे GMS और इसे गर्म होने के लिए और छोड़ेंगे। थोड़ा सा गर्म और हो जाएगा, फिर हम चीनी डालेंगे इसके अंदर। अब हमारा दूध थोड़ा सा और गर्म हो गया। पहले हमने GMS डाला, GMS डालने के बाद फिर हम कुछ टाइम दूध को और गर्म किया, फिर हम डालेंगे ये चीनी। यह चीनी है 50 ग्राम, 5 टेबलस्पून मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर बॉयल आएगा, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। ये आप देख ही सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया हमारा दूध। इसके अंदर हल्का हल्का बॉयल आना शुरू भी हो गया था जब हम मैंने चीनी डाली, उससे पहले ही थोड़ा गर्म बॉयल आना शुरू हो गया था। ये देख लो आप, इसके अंदर देख लो बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसे गैस को कर देंगे बंद। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ठंडा करते समय हम इसके अंदर किसी भी तरह की मलाई नहीं आने देंगे। ये देख लो आप, ये अब ठंडा हो रहा है। इसको मैं हिलाता जाऊंगा और ठंडा करता जाऊंगा। ये देख लो, जब हमारा दूध ठंडा हो जाए, पूरा रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए, तब इसके अंदर नारियल का बूरा डालो, नारियल पाउडर कह लो, नारियल का बूरा कह लो 2 चम्मच। और इसके साथ मैं एसेंस भी डालूंगा। अगर किसी ने एसेंस नहीं डालना है तो वो 4 चम्मच नारियल के बूरा का डाल सकते हैं इसके अंदर। नारियल का बूरा डालने के बाद इसको हम दूध के अंदर अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर हम डालेंगे एसेंस। ये देख लो आप, ये एसेंस है कोकोनट नंबर 1। ये हम कितना डालेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर पता चल जाएगा, उतना ही आपने डालना है। अगर इस एसेंस को आप ज़्यादा डाल देंगे तो ये कड़वा हो जाता है, दूध को कड़वा कर देगा। इतना ही एसेंस डालना है। अगर किसी ने एसेंस ना ही डालना हो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि वो 4 चम्मच नारियल का पाउडर डाल सकता है। और नारियल का पाउडर आपका बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, अगर घटिया क्वालिटी का होगा वो इतनी अच्छी स्मेल नहीं देगा। ये देख लो आप, इन दोनों चीज़ों को मैंने मिलाकर दूध के अंदर, फिर हमने ब्लेंडर के अंदर डालेंगे मिक्सर जार के अंदर। इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे, कम से कम 1 से 2 मिनट, पहले लो फिर मीडियम फिर हाई फिर लो मीडियम हाई, ऐसे ही करते करते हम 1 से 2 मिनट हम अपने दूध को अच्छी तरह से फेंटेंगे। देखो पहले दूध कितना पतला था, अब देख लो इस दूध की थिकनेस देखो, बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम जैसे लग रहा है। ऐसा लग रहा है जिसके अंदर पता नहीं कितनी मलाई या क्रीम डाली हो। आप खुद ही देख सकते हैं इससे पहले दूध कैसा था, अब कैसा दूध हो गया है। अब इसे हम फ्रीज़र के अंदर 24 घंटे के लिए रखेंगे,
ताकि अच्छी तरह से जम जाए, फिर इसको हम बीट करेंगे मिक्सर जार के अंदर। ये लो, आप देख ही सकते हो कि अब मैंने दूध को फ्रीज़र के अंदर रख दिया है। इसे हम 24 घंटे के लिए रखेंगे। ये देखो, अगले दिन मैंने क्या किया कि पहले नारियल का पाउडर निकाल ले लिया कुछ कटोरी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जो कल मैंने दूध रखा था वो जम गया है, ये देख लो आप। और ये खाली बर्तन, इसके अंदर हम आइसक्रीम डालेंगे। और इसको भी मैंने 24 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख लिया। उसका कारण ये है कि जितनी जल्दी ये, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतनी ही जल्दी हमारी आइसक्रीम जमेगी। हमने सिर्फ यही साइंस है आइसक्रीम जम के लिए कि जल्दी से जल्दी आइसक्रीम हो जमेगी तो उस आइसक्रीम के अंदर आइस क्रिस्टल बहुत कम होंगे। जितनी लेट आइसक्रीम जमेगी, अगर आपका फ्रीज़र ख़राब है, जितनी लेट आइसक्रीम जमेगी उतना ही उसके अंदर आइस क्रिस्टल आएंगे। देखो, मैंने कुछ हिस्सा ब्लेंड मिक्सर जार के अंदर डाल दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके इसको बीट किया। देखो कितना बढ़िया स्मूथ पेस्ट बन गया। ये देख लो आप, इतनी ही थिक होनी चाहिए आपकी आइसक्रीम बीट होने के बाद। अगर पतली होगी तो फिर उसके अंदर भी आइस होगी। पतला भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए बीट होने के बाद। अगर पतला हुआ तब भी आइस आएगी। अगर आपका फ्रिज अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, बहुत पुराना है, उसके फ्रीज़र का बॉक्स भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, तब भी आपके आइसक्रीम में आइस आएगी। यही कारण होता है और कुछ नहीं है। ये देख लो, अब इसके अंदर हम डालेंगे नारियल का पाउडर ऊपर से, जो हमने एक कटोरी में अलग से लेके रखा ना, इसके ऊपर हम डालेंगे। ये देख लो आप, अब इसको हम रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। और जो हमारा मिल्क का बेस था उसको भी मैंने रख दिया। पिछली वीडियो में मैंने ये गलती कर दी थी, इसको बाहर ही छोड़ के रखा रहा, तो फिर वो पतला हो गया था। फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी, एक बारी फिर मुझे बीट करनी पड़ गई थी आइसक्रीम। अब मैं सिंगल बार ही बीट करूँगा, बार बार नहीं। ये देख लो, पूरा बर्तन खाली हो गया। अब इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेना आप। अगर बड़ा टुकड़े होंगे तो मिक्सर जार ख़राब हो जाएगा आपका, फिर मत बोलना। छोटे छोटे टुकड़े करके बीट करो इसको, और बिल्कुल फाइन पेस्ट बनना चाहिए। और ज़्यादा पतला भी नहीं कर देना। अगर ज़्यादा पतला कर दिया फिर इसको 24 घंटे रखने के बाद फिर बीट करना पड़ेगा आपको, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको। ये देखो, बिल्कुल थिक होना चाहिए बीट होने के बाद। इस तरह से आपकी अगर बीट होने के बाद पोजीशन हुई तो फिर मैं गारंटी से लिख के कह सकता हूँ आपको कि इसके अंदर आइस बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं होगी। अगर इस पर ज़्यादा पतला हुआ तो फिर आइस होगी होगी, जो मर्जी कर लो आप। ये देख लो, इसके अंदर ऊपर भी मैं नारियल का पाउडर डालूँगा, फिर इसको हम 24 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ेंगे। आप देख ही सकते हैं, ये देख लो मैंने डाल दिया नारियल का पाउडर। अब हम फ्रीज़र में इसको रख देंगे 24 घंटे के लिए। फिर मैं नेक्स्ट डे आपको दिखाता हूँ कि कैसी बनी है हमारी आइसक्रीम। ये देख लो, अगले दिन हमने निकाली आपकी अपनी आइसक्रीम। ये देख लो, जम गई है बिल्कुल। ये देख लो, तुरंत निकाली है मैंने फ्रीज़र में से। ये देख लो कितनी हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है। बाकी क्या करते हैं यूट्यूब के ऊपर कि फ्रीज़र में से आइसक्रीम निकालने के बाद उसको 5 या 10 मिनट के लिए रखते हैं, फिर वो कटिंग करके दिखाते हैं आपको। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपको पूरी सच्चाई देखनी चाहिए कि जमने के बाद कैसी होती है। और इसके अंदर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके अंदर आपको किसी भी तरह का कोई क्रिस्टल लग रहा है कि नहीं लग रहा। ये देख लो आप, ताकि आपको सच्चाई नज़र आए। बाकी चैनल झूठ बोलते हैं, उनको बोलने दो, सच्चाई बोलने वाले बहुत कम होते हैं दुनिया में, ये याद रखना। तभी मैं एक एक चीज़ सच्चाई से बताता हूँ आपको। कोई झूठ नहीं है इसके अंदर, किसी भी तरह का कोई हिडन चीज़ें नहीं है, कोई छुपा के रख के करने वाली कोई चीज़ ऐसे नहीं है।
तुरंत निकाला और तुरंत ही काट के दिखाया, चाहे जितनी मर्जी हार्ड हो, पर ये इसके अंदर आइस क्रिस्टल नहीं होंगे, किसी भी तरह के आइस क्रिस्टल नहीं होंगे इस आइसक्रीम के अंदर। टेक्सचर से आपको पता ही लग जाएगा, जैसे मैं काट के और इसको मसल के दिखाता हूँ, कोई भी यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं दिखाता आपको। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।